जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कई सांसदों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन इंदौर में अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। इस दौड़ में कई लोग शामिल है, एक तरफ ताई है तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन 9 बार रह चुकी सांसद ताई के लिए कई लोग कई नेता खिलाफ है। लोगों का कहना है और एक नेता का तो कहना है कि अगर ताई चुनाव लड़ती है तो मैं निर्दलीय से खड़ा होऊंगा, लेकिन अब सोचने की बात तो यह है कि इंदौर से किसे मिलती है टिकट। एक तरफ है कैलाश विजयवर्गीय तो दूसरी तरफ है ताई। अब हम आंकड़ों की बात करें तो 100% में से 70% लोग कैलाश विजयवर्गीय को चाह रहे। इसकी वजह यह है कि लोगों का कहना है कि कई सालों से ताई मैदान में काम कर रही है, अब चेहरा तो बदलना चाहिए। आइए देखिए कुछ फुटेज इसके लोगों का क्या कहना है। 70% लोग कहते हैं कि चेहरा बदलते रहना चाहिए, तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि ताई भी हमें पसंद है। अब फैसले की बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर से भाजपा के लिए किसे चुना जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि इंदौर की जनता का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com, मेरे यानी रवि धाकड़ के साथ। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर में। लोकसभा चुनाव थोड़े दिन में आने ही वाला है और तारीखें भी फिक्स हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। आइए जानते हैं इंदौर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। पहला, कैलाश विजयवर्गीय जी को आप पसंद करोगे या सुमित्रा महाजन? कैलाश विजयवर्गीय जी को भी और सुमित्रा जी को भी, क्योंकि उन्होंने 8 बार रह चुकी है वो इंदौर के सांसद पद पे, तो उनने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन इस बार कैंडिडेट बदलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको, आपका कहना है सबको मौका मिलना चाहिए, तो अगर दोनों में से देखा जाए, सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जी, तो आप दोनों में से किसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हो? अब इस बार पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं, मतलब सुमित्रा जी महाजन जी ने भी अच्छा काम किया इंदौर के लिए, बहुत 8 साल में बहुत काम किया। लेकिन इस बार विजयवर्गीय जी को मिलना चाहिए, क्योंकि देखो खड़े कोई भी हो, दोनों में से किसी को भी खड़ा करे बीजेपी, लेकिन मेरा वोट मोदी को, वोट फॉर मोदी, और सभी से अपील करता हूँ मोदी को वोट। इंदौर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से कौन से उम्मीदवार को पसंद करते हो, कैलाश विजयवर्गीय या सुमित्रा महाजन? कैलाश विजयवर्गीय। सुमित्रा महाजन जी को क्यों पसंद नहीं करते, उसका कुछ है? उनको काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक 40 साल उनने सांसद प्रतिनिधि के रूप में रहे, और अब नया चेहरा आना चाहिए इंदौर के अंदर, वो और विकास के काम करे, बस यही कहना चाहेंगे। नहीं, जो भी काम सुमित्रा महाजन ने इंदौर के लिए किया है, क्या आप उस काम से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है, लेकिन क्या है कि नया चेहरा और उसके बाद युवा, कुछ युवा, क्योंकि 40 साल हो गए उनको, उनका मतलब उम्र भी हो गई है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब कैलाश विजयवर्गीय अच्छे मतलब नए और विकासशील व्यक्ति माने जाते हैं इंदौर के अंदर। विधायक, उनके विधायक प्रतिनिधित्व के तौर पे भी उनने विकास किया है। आप इंदौर लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका वोट जाएगा, एक पहला सुमित्रा महाजन, दूसरा कैलाश विजयवर्गीय? देखो क्या है कि काम तो सभी ने अच्छा किया है, जैसे सुमित्रा जी महाजन जो है, हमारी ताई जो है जी, उन्होंने जो इंदौर को, मध्य प्रदेश को जो है बहुत अच्छा विकास किया है, पर क्या है वो लगातार 7-8 बार से वही बनते जा रहे हैं, तो कम से कम इस बार क्या है विजयवर्गीय जी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी हमारे देश के लीडर है और राष्ट्रीय महासचिव है, तो उनको इस बार मौका मिलना चाहिए। बाकी तो क्या है कि अगर जैसे बीजेपी, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसको भी अगर खड़ा करती है, हमारा वोट जो है मोदी जी को जाएगा। मोदी जी हमारे लिए, जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और मोदी जी जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है। जैसा कि सर आपको पता है कि जो सुमित्रा जी महाजन है, लोकसभा अध्यक्ष भी रही है, और जो उन्होंने काम किया इंदौर को लेके, क्या आप उससे संतुष्ट हो? हाँ, उससे संतुष्ट है हम, और काम अच्छा किया है। एक मध्य प्रदेश की जो छवि है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो अच्छी करी है, और इंदौर में बहुत विकास करा है। जैसा कि आपने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, मेरा वोट मोदी जी को, लेकिन अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जी और सुमित्रा महाजन, दोनों में से आप किसको पसंद करोगे? देखो कि अभी समय के साथ जो है हम विजयवर्गीय जी को पसंद करेंगे जी, क्योंकि क्या है कि हर किसी को क्या है मौका मिलना चाहिए, वो भी इतने समय से जो है पार्टी में कार्यरत है, काम कर रहे हैं, तो कम से कम अभी उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताई खराब है, ताई ने बहुत अच्छा काम करा है, पर समय को देखते हुए क्या है कि
विजयवर्गीय जी को मौका। नमस्कार सर, आप जैसे लोकसभा चुनाव सर पे उसको लेके मेरा आप भारतीय जनता पार्टी साहब कौन से प्रत्याशी को आपका वोट जाएगा? पहला कैलाश विजयवर्गीय जी, दूसरा सुमित्रा महाजन। कैलाश विजयवर्गीय जी जी, जो सुमित्रा महाजन ने इंदौर के लिए काम किया है उसके लिए आप संतुष्ट हो? जी, सुमित्रा महाजन ने जो काम किया उसके लिए हम संतुष्ट हैं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी हम जो है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को ही, अच्छा, उनको ही जो टिकट मिलना चाहिए और भाजपा से जो कि वही लिख रहे हैं। अच्छा, आप जैसा कि आपने बताया कि मेरा वोट कैलाश विजयवर्गीय जी को जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी से वो खड़े हुए, तो सुमित्रा महाजन से आप संतुष्ट नहीं हो क्या? जी, संतुष्ट उनसे बाकी है, लेकिन जो हमारी जो सोच है कैलाश विजयवर्गीय जी को मिलना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी को मिलेगा तो वाकई में जो है इंदौर का जो विकास है और भी अच्छा हो सकता है, ये हमारी जो सोच है। और अगर देखा जाए तो आप अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात आती है तो प्रधानमंत्री पद पर कौन से उम्मीदवार को देखना चाहोगे? चाहेंगे, मतलब आप कट्टर समर्थक लगते हो बीजेपी के? कट्टर समर्थक है, और जो हमारा वोट जाएगा जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा और नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय या सुमित्रा महाजन? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी पक्ष हूँ जी, चाहे पार्टी किसी को भी उम्मीदवार को खड़ा कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से कैलाश जी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सुमित्रा महाजन 8 बार मेरे हिसाब से कैलाश जी रहेंगे तो ठीक है, बाकी जो भी रहेगा उम्मीदवार 100% जीतेगा और मोदी सरकार अपन बन जाएगी। अच्छा, आप जैसा कि आपने बताया कि मैं कट्टर मोदी समर्थक हूँ, उसको लेकर अगर आपसे एक प्रश्न दिल में उठता है कि दोनों में से अगर देखा जाए, सुमित्रा महाजन ने जो काम किया है इंदौर को लेके, इंदौर को आज इतनी अच्छी जगह पे वो लेके गई है, मध्य प्रदेश में इंदौर का, मध्य प्रदेश में क्या अगर कहा जाए तो पूरे भारत में इंदौर का नाम स्वच्छता में भी नंबर वन आया है, लगातार 3 बार स्वच्छता में नंबर वन आया है, और अगर उसी को लेके इंदौर में जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी कार्य किया है, तो सुमित्रा महाजन के जो भी कार्य किए उनसे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है, उसमें सुमित्रा महाजन के साथ साथ मालिनी गौड़ जी का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसको छोड़ के यहाँ के जो आम नागरिक जो जागरूक हुए जी, उनका भी इनमें बहुत बड़ा रोल। तो ऐसे चुनाव से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।